सुना है कि पहले के समय में लोग पूजा अर्चना, भगवान की आराधना तथा तपस्या करने के लिए सैकड़ों साल जंगलों में बैठे रहते थे। तब जाकर तपस्या से खुश होकर भगवान प्रकट हुआ करते थे और कोई वरदान देकर अपने भक्तों को पसंद किया करते थे। हालांकि उस समय सैकड़ों साल भक्त एक जगह बैठकर भक्ति किया करते थे, लेकिन आज के भक्त एक रात का जगराता कराकर अपने भगवान को प्रसन्न करने का कार्य करते हैं। इसी क्रम में जिला मेहनती क्षेत्र के कस्बा बेवर मोहल्ला ब्रह्मानंद अमर शहीद इंटर कॉलेज के पीछे परम पूज्य बाबा जाहरवीर ज्योति जागरण किया गया। इसमें सैकड़ों की तादाद में भक्त मौजूद रहे। यह कार्यक्रम मनोज श्रीवास्तव तथा उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी श्रीवास्तव के द्वारा कराया गया। कार्यक्रम के कथावाचक विपिन आचार्य के साथ कुलदीप राबेरामू ढोलक पर तथा रामदत्त खजुरिया वाले चिमटा पर और उनके साथ नसीर भाई छिबरा मऊसे ऑर्गन पर मौजूद रहे तथा अपने साथियों के साथ पूरा ज्योति जागरण का कार्य संपन्न कराया। कथावाचक विपिन आचार्य ने बताया कि ये कथा जो लोग कराते हैं उनके घर में सुख संपत्ति तथा बच्चों की खुशहाली हमेशा बनी रहती है, कभी घर में भूत प्रेत वाला चक्कर नहीं होता। आप लोग खुद ही देख लीजिए कि बाबा के दरबार में किस तरीके से लोग अपनी मनमर्जी से अर्जी लगाते हैं तथा बाबा के जन्म पर लोग कितनी खुशी मनाकर खुलकर नाचते हैं तथा महिलाएं बधाइयां डालती थी और बस्ती में उत्साह होता है, फूल बरसाए जाते हैं और लोग मिठाइयां आपस में बांटा करते हैं। ये कथा जो बाबा जाहरवीर की है, ये ऐसी कथा है जिसके सुनने से जिसको जो कराता है, जो सुनता है, वो हमेशा पापों से मुक्त पाता है। और जो इनकी कथा कहता है, जो करवाता है कथा बाबा जी की जाहरवीर की, ऐसे देव है जिन्होंने चिंता पे समाधि ली और इनके दरबार में कोई भूत व्याधा किसी भी प्रकार की कोई पास में आने की कोशिश नहीं करता। ये राजस्थान प्रांत के रहने वाले बाबा जाहरवीर और इनके माता पिता जेवर सिंह, माता बाछल है और जो है ये बाबा जाहरी महाराज, इनका बहुत विशाल मेला लगता है गदरेवा शहर में, भागर देश के अंदर राजस्थान प्रांत में। हजारों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जाते हैं बाबा के दरबार में और वो मांगी मनाने बाबा को जाहरवीर महाराज पूर्ण करते हो जाहरवीर भगवान की। और बनरे बाबे भैया आ गई रानी बासुला, इसके अंदर आई है। इधर क्या होता है कि सात नौ महीना लगो अठौल सावन को आए, और नौ महीना लगो तारे बाबा आए। बाबा का महीना आ गया, दिन बृहस्पतिवार है, रोहिणी का चित्र लगा हुआ है, हल्की हल्की हवाएं चल रही है, हल्की हल्की। और इधर बाबा जाहरवीर भगवान मैया बासिल के कोख से अवतार लेते हैं और ये हम लोग मैया बाबा जी के चरणों में दान दे रहे हैं। बाबा जाहरवीर भगवान जय जयकार होती रहे, भंडार बने रहे। सातों महीना लगो अठौल सावन के आए, और नौ महीना लगो तारे पाए। सातों के महीना में कृष्ण पक्ष की नौमी आई है, कृष्ण पक्ष की नौमी आई है भक्तों, और सातों की नौमी पर बाबा जाहरवीर महाराज गदरेवा शहर में मैया बासिल की कोख से अवतार लेते हैं। और जाहरवीर के अवतार की और बोला जी महाराज की जिसरे मैया बासिल के यहाँ बाबा जाहरवीर महाराज जी का जन्म हुआ, पूरे गांव में गदरेवा शहर में खुशियां मनाई गई, बधाई पड़ रही है और मैया बासिल के यहाँ आने का बधाइयां बज रही है। कैसे और इनके द्वारे कभी चलना
I'm gonna make you mine.